वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत की शुरुआत सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रह रही आबादी के लिए। इस पहल को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने और इससे जुड़ी प्रतिबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य है कोई भी पीछे न छूटने पाए। आयुष्मान भारत का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समग्रता में पूरा करने के लिए पथ प्रदर्शक हस्तक्षेप प्रदान करना है। कार्यक्रम के 4 स्तंभ हैं: स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। 16 अप्रैल 2022 को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर एक दिन में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिकॉर्ड 3 लाख टेली परामर्श किए गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन योजना है, जो 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार का बीमा लाभ प्रदान करती है। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सहयोग देना भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना है। यह मिशन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।